मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जन्मी 1929 में और 1952 से अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत करने वाले लगभग 58 वर्ष तक अपने अपने जीवन को उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के रूप में समर्पित किया। ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बाद की चर्चा आज हम करना चाहेंगे जो मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एकमात्र महिला विपक्ष के नेता रही। जी हां, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में बुआ जी के नाम से प्रसिद्ध रही जमुना देवी के बारे में। सो विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप सभी को बता दूं अनअकैडमी के इस लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व के सीरीज ये संडे को प्रत्येक संडे को 11 बजे से रहती है। इसके पहले के जितने भी व्यक्तित्व हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आप इसी यूट्यूब के चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं हूं नीरज पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले एक सामान्य परिचय ले लेते हैं हम लोग जमुना देवी के बारे में। सबसे पहले सामान्य परिचय जमुना देवी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आखिरकार इनके थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में और इसके बाद इनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। तो जमुना देवी का जन्म की बात करें तो 19 नवंबर 1929 को सरदारपुर धार जिले में है, सरदारपुर धार में हुआ था। धार एक ऐसा जिला है जहां पर मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनजाति आबादी निवास करती है, सबसे ज्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो निवास करती है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में सरदारपुर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ जमुना देवी का। और इनकी जो मृत्यु है 1929 में हुई, 1929 में सरदारपुर ये 1929 में इनका जन्म हुआ। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, 1929 में इनका जन्म हुआ और 2010 में इंदौर में जो है इनकी मृत्यु हुई। 2010 में इंदौर में इनकी मृत्यु हुई और बुआ जी नाम से इन्हें जाना जाता था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जमुना देवी को बुआ जी के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, कई बार ये इस प्रकार के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जैसे ताई के नाम से कौन प्रसिद्ध है, बुआ जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ये उपनामों से जो जाने जाते हैं मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व, तो ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जमुना देवी बुआ जी के नाम से प्रसिद्ध रही हैं। 1998 में मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। 1998 में मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और एकमात्र, पहली ही नहीं बल्कि एकमात्र अब तक की ओनली वन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, और वो है आपका ओनली वेमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी और केवल एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री। और 2003 में पहली महिला विपक्ष की नेता, यानी कि नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला विपक्ष की नेता रही, यानी कि वेमेन लीडर ऑफ अपोजिशन। ये 2003 से लेकर के 2008 तक, और इसके बाद पुनर्गठित विधानसभा में ये अपनी मृत्यु तक ये लीडर ऑफ अपोजिशन रही। तो ये इनका एक शॉर्ट में जीवन परिचय है जो आपके सामने है। इसके बाद हम लोग इनके विस्तार से जीवन क्रोनोलॉजी डिस्कस करते हैं, इनके जीवन परिचय की, इनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की। 1952 में पहली बार ये विधायक चुन करके आई। 1952 में तत्कालीन रूप से मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश 1956 में बना। तब ये आज जो हम क्षेत्र देख रहे हैं मध्य प्रदेश का, लगभग इसमें चार क्षेत्र आपका सीपी बरार का पोर्शन प्लस इसके साथ, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस बरार का पोर्शन प्लस इसके अलावा मध्य भारत का पोर्शन प्लस इसके साथ साथ आपका जो बघेलखंड का पोर्शन है और इसके साथ साथ भोपाल स्टेट, ये चार तत्कालीन प्रांत आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में समाहित हैं। उसमें से ये मध्य भारत विधानसभा की सदस्य बनी 1952 में। ध्यान रखिएगा 1952 से लेकर के 1957 तक ये जब मध्य प्रदेश का जब तक गठन हुआ तो ये मध्य भारत विधानसभा की सदस्य रही। इसके बाद आपको 1952 से 67 तक, 1952 से लेकर के 1967 तक तीसरी लोकसभा की ये सांसद रही, यानी कि 1962 से लेकर के 1967 में लोकसभा सदस्य, 1962 में तीसरी लोकसभा का चुनाव इन्होंने झाबुआ संसदीय लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता था। याद रखिएगा
झाबुआ लोकसभा संसदीय क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व प्रदान किया था तीसरी लोकसभा में 1952 से लेकर के 1967 तक। उन लोकसभा में यानी कि विधानसभा, विधानसभा के साथ साथ लोकसभा, और लोकसभा के साथ साथ 1978 से लेकर के 1981 से लेकर के और 1981 तक ये राज्यसभा की सांसद रही, यानी कि लोअर हाउस के बाद ये अपर हाउस में गए। लोअर हाउस के बाद, संसद के निम्न सदन के बाद 1978 में ये उच्च सदन में गई और 1981 तक उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सांसद रही। इसके बाद 1985 में इन्होंने अपना रुख अपनाया प्रदेश की राजनीति में, और तब से लेकर के 2010 तक ये छह बार विधानसभा के सांसद रही, छह बार विधानसभा के सांसद रही, और इसी बीच इन्होंने कई मंत्रालयों का प्रभार भी संभाला, राज्य मंत्री रही, कैबिनेट मंत्री रही, कई मुख्यमंत्रियों के अंडर इन्होंने मंत्री के रूप में कार्य किया, और साथ ही साथ 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समय ये मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। और इसके बाद 2003 में जब कांग्रेस के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, तो ये मध्य प्रदेश में लीडर ऑफ अपोजिशन, एकमात्र महिला है मध्य प्रदेश की जो महिला लीडर ऑफ अपोजिशन रही, और वो श्रीमती जमुना देवी ही थी। सो यहां पर संसदीय पारी के बाद जमुना देवी मध्य प्रदेश प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गई। वे लंबे समय तक मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही। वर्ष 1985 में जमुना देवी आठवीं विधानसभा की सदस्य चुनी गई और तत्पश्चात छह बार चुनाव जीतकर विधायक बनी। उन्होंने प्रदेश मंत्रिमंडल में आदिम जाति और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दायित्व संभाला। 1993 में वह 10वीं विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई और समाज कल्याण और महिला बाल विकास मंत्री, महिला बाल विकास विभाग की मंत्री के रूप में भी उन्होंने शपथ ली। वह अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा और श्यामा चरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा और श्यामा चरण शुक्ल की सरकारों में कनिष्ठ मंत्री थी यानी कि राज्य मंत्री, और दिग्विजय सिंह के समय इन्हें जो है कैबिनेट मंत्री, और सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया दिग्विजय सिंह के समय। तो दिग्विजय सिंह के तहत कैबिनेट मंत्री में यह शामिल किया गया और बाद में 1998 में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया। इस प्रकार वह पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी, पहली और एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री। जमुना देवी 16 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक प्रदेश की विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता रही, क्योंकि 2003 में कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां से चली गई और फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और इसके बाद कई मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी में तत्कालीन रूप से, चाहे वो श्रीमती सुश्री उमा भारती की बात हो, या इसके साथ साथ आपका जो बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने, और इसके साथ साथ अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ये जो है लीडर ऑफ अपोजिशन रही 16 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रही। वर्ष 2008 में धार की कुछी सीट से वह चुनाव जीतकर छठी बार विधायक बनी। 7 जनवरी 2009 से उन्होंने लगातार दूसरी बार प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, यानी कि ये आपका पहली बार, ये 2003 से लेकर के 2008 तक विधानसभा में विपक्ष की नेता रही, और इसके बाद पुनः छठी बार जब वो विधायक बनी तो 7 जनवरी 2009 से लगातार दूसरी बार विधानसभा की विपक्ष की नेता रही, और फिर इसके बाद 2010 में इनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार एक महान नेता, एक महान व्यक्तित्व की जो है मृत्यु 2010 में हो गई। और इनका इतना 58 साल का करियर 1952 से लेकर के 1952 में ये मध्य भारत विधानसभा के सदस्य बनी थी, और 2010 तक यानी कि 58 साल तक इन्होंने अपना राजनीतिक और सामाजिक जीवन समर्पित किया है। तो 2003 में जब इनके 50 वर्ष पूरे हो गए संसदीय जीवन में, 2003 में उन्हें संसदीय जीवन से के 50 वर्ष पूर्ण करने पर संसदीय जीवन सम्मान से सम्मानित किया गया था। संसदीय जीवन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, और 2001 में इन्हें भारत ज्योति सम्मान से भी नवाजा गया था। तो यानी कि 58 वर्ष तक राजनीतिक जीवन में रही, 2003 में इनके राजनीतिक जीवन के 50 वर्ष पूरे हुए, और इन्हें जो है इसीलिए संसदीय जीवन सम्मान से नवाजा गया था 2003 में। 2001 में इनको किस पुरस्कार से? जीवन ज्योति सम्मान से नवाजा गया था। तो इस प्रकार जमुना देवी
ये कुछ तथ्य एग्जाम पॉइंट जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ तथ्य जरूर याद रखिएगा। और वो तथ्य ये है कि 1998 में मध्य प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी। 2003 में ये लीडर ऑफ अपोजिशन बनी। लीडर ऑफ अपोजिशन मध्य प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला लीडर ऑफ अपोजिशन। और 2003 से लेकर के 2010 तक ये दो बार इन्हें यानी कि आपका इसके पहले 2003 से लेकर के 2008 और फिर नई पुनर्गठित विधानसभा कॉन्स्टिट्यूटिव लेजिस्लेटिव असेंबली में पुनः ये लीडर ऑफ अपोजिशन बनी। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि दो विधानसभाओं में इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का दायित्व संभाला। ये विधायक रही, ये लोकसभा की सांसद रही, ये राज्यसभा की सांसद रही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और लगभग 58 वर्ष इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया राजनीतिक और सामाजिक रूप से। तो ये शॉर्ट में आपको जानकारी रही मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध व्यक्तित्व फेमस पर्सनालिटी जमुना देवी के बारे में। सो मध्य प्रदेश की व्यक्तित्व के शरीर में आज के लिए शॉर्ट में इतना ही। और ये प्रत्येक संडे को 11 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में। सो आज की इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहां मिलने वाली है? पीडीएफ आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मिलने वाली है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, एजुकेटर कम्युनिटी पर। आई होप कि इसके पहले की जो पीडीएफ है व्यक्तित्व की सीरीज की आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल रहती है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। मेरी एजुकेटर कम्युनिटी नीरज पांडे के नाम से है। स्टेट पीएससी के कैटेगरी में चाहिए, गोल जब आप अपना सेलेक्ट करेंगे स्टेट पीएससी में एमबीपीएससी, वहां पर सर्च कीजिए नीरज पांडे। तो आप जब सर्च करेंगे, आप आरपीएससी भी गोल सेलेक्ट करेंगे तो आरपीएससी में भी मैं मिल जाऊंगा। वहां पर मेरी एजुकेटर कम्युनिटी होगी मेरी प्रोफाइल पर, यहां पर फॉलो कर लेना है। एजुकेटर कम्युनिटी पर फ्री पीडीएफ आपको मिलती है। साथ ही साथ एजुकेटर कम्युनिटी पर आपको पीडीएफ के अलावा क्लासेस की लिंक, फ्री क्लासेस की लिंक, प्लस क्लासेस की लिंक, इसके साथ साथ आपको सब्सक्रिप्शन के लिंक, सभी जानकारी सभी अपडेट्स प्राप्त होते हैं। फ्री क्लासेस कभी भी आप इस रेफरल कोड का प्रयोग करके PANDEY पांडे कोड का प्रयोग करके फ्री क्लासेस भी मेरी प्रोफाइल में प्राप्त कर सकते हैं। प्लस क्लासेस भी अपनी तैयारी के लिए कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस का नया बैच शुरू हो रहा है 20 अक्टूबर से, जिसमें मेरा एथिक्स एंड पॉलिटिकल थिंकर्स का पोर्शन होगा। तो साथ ही साथ मेंस की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए 27 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन है, ध्यान रखना है। ये आपको आपके लिए मेरे जो प्लस कोर्सेस अभी वर्तमान में चल रहे हैं, 3 प्लस कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्लस इसके साथ साथ आंसर राइटिंग और इसके साथ साथ आपका मेंस के लिए पॉलिटिकल थिंकर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अपना सुनिश्चित कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए इस रेफरल कोड का जरूर प्रयोग करेंगे PANDEY। बहुत ही किफायती सब्सक्रिप्शन आप सभी के लिए। और कंप्लीट तैयारी किसी भी स्टेज में हो अपनी कंप्लीट तैयारी सुनिश्चित करें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है 1-to-1 मेंटरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए, तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।